खंड शिक्षा अधिकारी ईटिया थोक के निलंबन के विरोध में अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन। खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन के विरोध में शिक्षकों ने बीआरसी पर भारी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके सम्मान बहाली की मांग की। अध्यापकों ने निराधार शिकायत व गलत तथ्यों के आधार पर किए गए निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। ब्लॉक के कई संगठनों के शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन को निरस्त कर उन्हें सम्मान बहाल करने की मांग की। शिक्षक पदाधिकारियों और शिक्षकों के बिना साक्ष्य के लगाए गए आरोप को निराधार बताया और कहा कि इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई को गैर जरूरी है। इस मौके पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रामराज ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल ने उक्त प्रकरण के बाद में इस ब्लॉक में ज्वाइनिंग की थी। ऐसे में इस प्रकरण में उनके ऊपर आरोप लगाना पूर्णतया गलत है। तो वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शुक्ल ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन को तत्काल बहाल किया जाए। बिना बहाल के हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक लामबंद है। आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों की संख्या में हम लोग आगे भी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इस कड़ी विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। डॉक्टर रामराज, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, गोंडा से डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी के